दोस्तों आइए माहौल में थोड़ा सा सुर लय ताल का रंग जमाया जाए और एक ऐसे कवि को बुलाया जाए जो गीतकार के साथ साथ गायक भी है। दोस्तों चंद्रसेन विराट जी की चार पंक्तियां, फूल में जैसे बसी है गंध की अवधारणा, गीत में वैसे रही लय छंद की अवधारणा, और एक रचनाकार तो स्थित प्रज्ञ है होता है उसे आंसुओं में भी मिली आनंद की अवधारणा। इन चार पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं भाई जितेंद्र सुकुमार जी को कि वे आए और जरा अपना गीत और संगीत दोनों का आनंद हम सबको। ख्वाब क्या है हकीकत बताने आया हूं, कुछ गजल की तफ़सीर मैं सुनाने आया हूं। ख्वाब क्या है हकीकत बताने आया हूं, कुछ गजल की तफ़सीर मैं सुनाने आया हूँ। जम के ताली बजा दो मेरे दोस्तों, जम के ताली बजा दो ऐ मेरे दोस्तों, फिर मैं सुनिए महफिल सजाने आया हूँ। जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है इस सभागार में मौजूद सभी गुरुजन कवियों को, आदरणीय दोस्तों को नमन करता हूँ एक मुक्तक से कि सलीका कुछ नहीं लेकिन गजल और गीत कहता हूँ, सभी है अजनबी लेकिन सभी को मीत कहता हूँ। मैं क्या जानूं गजल और गीत क्या है और बहर है क्या, जो दिल के तार को दे झनकार वही संगीत कहता हूँ। जो दिल के तार को दे झनकार वही संगीत कहता हूँ। और चार पंक्तियों से आपको श्रृंगार की तरफ लिए चलता हूँ कि कोरी अखियों का मैं काजल हो गया, सांसे में है कि मेरी संदल हो गया, कोरी अखियों का मैं काजल हो गया, सांसे में है कि मेरी संदल हो गया, काशी मथुरा से पावन जो देखी छब तेरी, काशी मथुरा से पावन जो देखी छब तेरी, सर से मैं पांव तक गंगा जल हो गया, सर से मैं पांव। दोस्तों जिंदगी में बहुत सारे नए नए चेहरे नए नए लोग आते हैं और वक्त गुजरने के साथ चले जाते हैं, पर वो एक शख्स जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक हमारे साथ बना रहता है, यानी हमारा हम सफ़र, हमारा जीवन साथी, उसके साथ की बात ही कुछ और है। उसी प्रेम प्यार को समर्पित एक गीत। व्यक्त हो कैसे हमारी प्रीत कुछ छंद गीत में, शब्द गिनती में है थोड़े, बातें बहुत मन मीत में, व्यक्त हो कैसे हमारी, तुम धरा मेरी तुम्हारा, आकाश में बन कर रहूं, तुम धरा मेरी तुम्हारा, आकाश में बन कर रहूं, तुम धरा मेरी तुम्हारा, आकाश में बन कर रहूं, आभास मेरा तुम बनोगर, आभास मेरा
तुम बनो गर जीत लो जग जीत मैं व्यक्त हो कैसे हमारी। आगे देखिए कि दुनिया में जीते हैं जाने लोग किस 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 तरह। कहते हैं कि प्रेम प्यार मोहब्बत स्नेह के लिए ऑलरेडी हमारे पास जीवन बहुत कम है, पर फिर भी गिले शिकवे हमेशा लगे ही रहते हैं। इसलिए कलम ने लिखा कि दुनिया में जीते हैं जाने लोग किस 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 तरह, आना जी ले प्यार में हम मर जाए चले प्रीत में व्यक्त हो कैसे हमारी। क्या बहर क्या काफिया इश्क में मिल जाए सब, क्या बहर क्या काफिया इश्क में मिल जाए सब, क्या बहर क्या काफिया इश्क में मिल जाए सब। दो और दो का जोड़ अक्सर चार कहाँ होते प्रीत में व्यक्त हो कैसे हमारी। और आखिर में अपनी नेकी का सिला मांगूं तो बस मांगूं यही, अपनी नेकी का सिला मांगूं तो बस मांगूं यही, आखिरी हिचकी भी आए तो आए तेरी ही दीद में व्यक्त हो कैसे हमारी। ऐसे ही प्रेम प्यार में डूबे एक सैनिक को जब देश का बुलावा आया तो देखिए क्या कहता है कि है पहला इश्क वतन मेरा जान दे के निभाऊंगा, हंसी है और वतन से क्या तराने इसके गाऊंगा, मेरे महबूब करना माफ पुकारे देश में चला, मेरे महबूब करना माफ पुकारे देश में चला, न आ पाया जो जीते जी तिरंगे में तो आऊंगा, न आ पाया जो जीते जी तिरंगे में तो आऊं। यूं ही एक बार आमिर खान की पत्नी एक गीत गुनगुना रही थी कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, तो आमिर खान ने सोचा शायद देश छोड़ के जाने की बात कर रही है। उन्होंने ये बात मीडिया में बताई, बहुत हंगामा हुआ। कहने का तात्पर्य ये कि हमारे देश में बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, पर हमारा देश इतना विशाल इतना समृद्ध है कि बहुत सारी खामियों के बावजूद भी हम अपने देश पर गर्व गुमान कर सकते हैं। कैसे देखिए कि पशु भी पूजे जाए जहां नदी को भी माँ कहते, ऐसे देश के वासी हम जिसे हिंदुस्तान कहते, पशु भी पूजे जाए जहां नदी को भी माँ कहते, ऐसे देश के वासी हम जिसे हिंदुस्तान कहते। और कैसे गुमान कर सकते हैं देखिए कि आजा कहीं मंदिरों में गान कहीं शब्द कोई गाए, आजा कहीं मंदिरों में गान कहीं शब्द कोई गाए, घर आंगन कहीं राम राम कहीं कान्हा बंसी बजाए, योग साधना संस्कार ना ऐसा कहीं मैं पाऊं, तुलसी सूर कबीरा के पद कहां मैं ढूंढन जाऊं, चीर छाती जहां बोले हनुमन चीर छाती जहां बोले हनुमन भगवन है यहां रहते, ऐसे देश के वासी हम जिसे हिंदुस्तान कहते। और देखिए कैसे महान विभूतियों से अलंकृत है हमारा देश की
दया भाव गौतम जैसा टैगोर सा गान कहीं ना, सबरी सा अनुराग यशोदा माँ सा प्यार कहीं ना। दया भाव गौतम जैसा टैगोर सा गान कहीं ना, सबरी सा अनुराग यशोदा माँ सा प्यार कहीं ना। महावीर जैसा कहा योगी राम सा पुत्र कहीं ना, सत्य सनातन धर्म सुदामा कृष्ण सा मित्र कहीं ना। पुण्य भूमि है ऐसी इंसा देव रूप यहाँ रहते, ऐसे देश के वासी हम जिसे हिंदुस्तान कहते। और आखिर में देखिए कि हमारे देश की चारों दिशाएं कैसी हैं। दक्षिण में जाऊं तो कर्नाटक संगीत सुहाए, पूरब में जाऊं तो बंगला भाषा मन को लुभाए, दक्षिण में जाऊं तो कर्नाटक संगीत सुहाए, पूरब में जाऊं तो बंगला भाषा मन को लुभाए। जय पंजाब च जावा नच नच पंगड़े गिद्दे पावा, तन से कुछ भी लेकिन मन से हिंदुस्तान कहावा। ना एक भाषा एक जाति ना भिन्न भिन्न जहाँ रहते, ऐसे देश के वासी हम जिसे हिंदुस्तान कहते, ऐसे देश के वासी हम जिसे हिंदुस्तान कहते। इन सब खूबियों के बावजूद भी अगर किसी को खामियां नजर आती हैं तो उनके लिए चार पंक्तियों से अपनी बात का समापन करता हूँ कि ये जमीन छोड़ दे, ये गगन छोड़ दे, मुस्कुराता मेरा ये चमन छोड़ दे, कर सके ना जो वंदन मेरे देश का, ऐसे करतार मेरा वतन छोड़ दे।